हेलो दोस्तों, देखिए ये हमारा रिचार्जेबल बल्ब था। इसकी देखिए बैटरी ख़राब हो गई थी और इसकी बैटरी रिप्लेस करने वाले हैं हम। देखिए इसकी बैटरी को पूरा खोल लेंगे और ये कनेक्टर निकाल लेंगे क्योंकि नया कनेक्टर हमारे पास नहीं है। सोल्डरिंग से इस कनेक्टर को निकाल लेंगे। देखिए कनेक्टर निकाल लेंगे पहले से, और इसके बाद में कनेक्टर हटा दिया। देखिए नई बैटरी हमारी है, 2600 mAh की नई बैटरी है। ये 50-60 रुपये की आ जाती है मार्केट में। ये दिल्ली से हमने ली है। और देखिए इसको थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे। स्क्रैच करने से ये सोल्डरिंग अच्छे से हो जाती है इसकी दोनों तरफ से स्क्रैच बढ़िया से कर लिया। देखिए सोल्डरिंग इतने अच्छे से हुई है, देख सकते हैं आप। देखिए इसकी दूसरी तरफ भी सोल्डरिंग करेंगे, इधर सोल्डरिंग करेंगे इसकी। देखिए सोल्डरिंग, देखिए स्क्रैच करने से बहुत अच्छे से हो जाती है, आप देख सकते हैं। देखिए सोल्डरिंग कर रहे हैं ये। इसके बाद में देखिए जो कनेक्टर हमने निकाला था उसको सोल्डरिंग कर लेंगे। माइनस की तरफ माइनस, प्लस की तरफ प्लस लगा देंगे। और देखिए ये कनेक्ट हम सोल्डरिंग हो गई हमारी वायर की। इसके बाद में देखिए इसको टेपिंग करेंगे अच्छे से। इसकी टेपिंग करेंगे, देखिए बड़ा अच्छे से करेंगे जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। टेपिंग थोड़ा अच्छे से ही करनी चाहिए। और देखिए इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके इसको चेक करेंगे एक बार, जला के देखेंगे। देखिए इसको ये उंगली लगाने से ही जल जाता है एक तरफ से, क्योंकि रिचार्जेबल बल्ब में हाथ लगाएं या कुछ भी लोहे का मेटल कुछ भी लगाएं तो जल जाता है। इसको पैक करेंगे बढ़िया तरह से, बैटरी को फंसाएंगे पहले, सबसे पहले अच्छे से अंदर थोड़ा दबा देंगे तो बैटरी अच्छे से फंस जाती है। देखिए फंस गई है, इसको फिर पैक कर देंगे, बंद करेंगे इस बल्ब को। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से चल रहा है ये। और देखिए इसकी वायर की तरफ की जो एलईडी होती है, इसमें दो तरह की एलईडी होती हैं, एक लाइट से चलती हैं, एक बैटरी से।